सो हे गाइस, आज की ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन के गेमिंग रिव्यू के बारे में। जी गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक शार्क 4 प्रो के गेमिंग रिव्यू के बारे में। और लिटरली गाइस, मैं बता दूं कि यार ये जो फोन है, इसका अंततः स्कोर जो निकल के आता है वो लगभग 867,000 के भी ऊपर का निकल के आता है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट इसी का ही अंततः स्कोर निकल के आता है। और गाइस, मैं बता दूं कि यार इसका अंततः स्कोर आपको इतना इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि आपको इसकी यूआई में काफी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाएगी। स्पेशली फॉर गेमिंग इस फोन को डिजाइन किया गया है, इसलिए यहाँ पे आपको इतना अंततः स्कोर इसका जाता हुआ दिखाई देता है। तो गाइस, आप सोच ही सकते हैं कि इसमें आपको परफॉर्मेंस किस तरीके की देखने को मिल जाएगी। परफॉर्मेंस के मामले में ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन निकल के आता है। इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कि यार वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन ये है, ब्लैक शार्क 4 प्रो। बेसिकली इसमें आपको किस तरीके की गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्पेशली फॉर गेमिंग इस फोन को डिजाइन किया गया है, तो इसमें आपको गेमिंग में यार कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एग्जैक्टली पबजी में यहाँ पे आपको किस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, ये हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और क्या इस फोन को आपको गेमिंग के लिए कंसिडर करना भी चाहिए या नहीं, इन सब टॉपिक के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इसी कारण से ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे आज के अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लैक शार्क 4 प्रो के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो अभी आप देख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशन को। गाइस, मैं बता दूं कि यार आपको स्पेसिफिकेशन एंड ओवरऑल फीचर्स के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलते, भर भर के आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँ तो यह वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल चिपसेट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव चिपसेट, जो कि स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट, और बहुत ही ज्यादा पावरफुल चिपसेट भी ये है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको परफॉर्मेंस किस तरीके की देखने को मिल जाएगी। और गाइस, मैं बता दूं जो फोन है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है चाइना में, और चाइना में इसकी जो प्राइस रखी गई है वो लगभग 46,000 के आसपास रखी गई है। तो हमारे इंडिया में जब भी आएगा तो भाई हमारे इंडिया में लगता है कि 50 से 60,000 रुपए के प्राइस में लॉन्च हो सकता है। बाकी जानना ये इंटरेस्टिंग होगा कि हमारे इंडिया में कब और कितने प्राइस पॉइंट पे ये लॉन्च होता है। और गाइस, बात कर लेते हैं इस फोन के अदर फीचर के बारे में, जैसे कि इसके सेंसर्स। तो आपको सारे के सारे सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा, एंड आपको जायरोस्कोपी देखने को मिलेगा, हॉल सेंसर, ग्रेविटी सेंसर, बैरोमीटर सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। और गाइस, मैं बता दूं कि यहां पे आपको फिजिकल वाला जायरोस्कोप देखने को मिलता है, जिसमें आपको कोई भी डिले देखने को नहीं मिलता है। एकदम मक्खन बटर स्मूथ यहां पे आपको जायरोस्कोप देखने को मिल जाएगा इस फोन में। एंड इस फोन के डिस्प्ले की बात करते हैं, तो यहां पे आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट वाला E4 AMOLED QHD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा विद 720 हर्ट्ज के टच सैंपलिंग रेट के साथ। तो जो गेमिंग स्मार्टफोन में डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी से बेहतर ही यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। 720 हर्ट्ज का रिफ्रेशिंग रेट आपको गेमिंग में यार बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है टच रिस्पॉन्सिवनेस के मामले में, और इसका रिस्पॉन्स टाइम है 8.3 मिलीसेकंड। तो यार बहुत ज्यादा फास्ट आपका टच रिस्पॉन्सिंग टाइम इस फोन के साथ में होने वाला है। एंड आपको HDR 10 प्लस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के मामले में ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन निकल के आता है। लेकिन वही बात आती है कि भाई गेमिंग में ये किस तरीके की परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करके देता है। यहाँ पे आपको लिक्विड कूलिंग का भी सिस्टम दिया गया है। तो गाइस, इसी कारण से हम इस थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन को रखते हैं साइड पे, आ जाते हैं हमारे एक्चुअल गेमिंग रिव्यू पे। तो हम इसमें टेस्ट करने वाले पबजी मोबाइल को, एंड पबजी मोबाइल में आपको जो बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगी वो देखने को मिल जाएगी स्मूथ में एक्सट्रीम। जी हाँ गाइस, आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाएगा स्मूथ में एक्सट्रीम। अब आप लोगों का ये सवाल होगा कि भाई इतना पावरफुल फोन है, यहाँ पे आपको 90 FPS या फिर 120 FPS का सपोर्ट देखने को क्यों नहीं मिलता है। तो गाइस, मैं बता दूं कि यार स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट अभी वेल ऑप्टिमाइज बिल्कुल भी नहीं है 90 FPS के लिए। अगर कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करके दे भी देगी तो वो स्टेबल तरीके से परफॉर्म होगा ही नहीं, तो देने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ऊपर से फोन की बदनामी होगी वो अलग, इसलिए कंपनी जब तक ऑप्टिमाइज नहीं होता तब तक 90 FPS प्रोवाइड करके नहीं देगी। लेकिन ये श्योरिटी रखेगी जब भी 90 FPS कंपनी प्रोवाइड करके देगी, इसमें आपको डेफिनेट नेटली देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात कर लेते हैं इस फोन के हाईएस्ट ग्राफिक्स के बारे में, तो आपको बैलेंस में भी एक्सट्रीम, एचडी में एक्सट्रीम, एंड एचडीआर में भी आप इसमें एक्सट्रीम ग्राफिक्स में गेम प्ले कर पाएंगे। एंड रही बात करते हैं अल्ट्रा एचडी के बारे में, तो आप अल्ट्रा एचडी में अभी फिलहाल अल्ट्रा ग्राफिक्स पे गेम प्ले कर पाएंगे। लेकिन अगर पबजी ने अल्ट्रा एचडी में एक्सट्रीम ऑफर करना स्टार्ट कर दिया तो ये फोन डेफिनेटली एक्सट्रीम सपोर्ट करने लग जाएगा। यानी अभी पबजी मोबाइल जितने हाईएस्ट ग्राफिक्स सपोर्टेबल है, ये उतने हाईएस्ट ग्राफिक्स आपको प्रोवाइड करके दे रहा है। लेकिन वही बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं हम टीडीएम के बारे में। तो टीडीएम में यहाँ पे आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, आप इसमें प्रॉपर 60 FPS में गेम प्ले कर पाएंगे। इवन अगर आप HDR XT में भी गेम प्ले करोगे तो आपको प्रॉपर 60 FPS देखने को मिलेंगे, ना ही कोई लैग देखने को मिलेगा, ना ही आपको कोई ग्राफिक्स के मामले में कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा। इवन HDR XT में भी आप बिल्कुल प्रॉपर 60 FPS में गेम प्ले कर पाएंगे। 58 से लेकर 60 FPS ही बिल्कुल मोस्टली आपको प्रोवाइड करके दे ही देगा HDR XT के गेम प्ले में, और उसमें भी आपको 60 FPS मोस्टली हॉवर करता हुआ दिखाई दे ही देगा। लेकिन वही बात करते हैं सेनोक के बूट कैंप के बारे में, क्योंकि वहां पे होता है असली टेस्ट, क्योंकि वहां पे बहुत सारे एनिमीज एक साथ उतरते हैं और इसी कारण से वहां पे इंटेंस सिचुएशन
जो है वो क्रिएट हो जाती है, और इसी कारण से वहाँ पे बहुत सारे फोन जो है वो फ्रेम प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन ब्लैक शार्क 4 प्रो के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कोई भी फ्रेम का फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जब आप प्लेन से जंप करोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा 57 तक का एपिस ड्रॉप देखने को मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप लैंड करते जाओगे तो इसके एपिस फिर से 58-59 एपिस के बीच में आना स्टार्ट हो जाते हैं। और सपोज टू अगर आप क्लोज रेंज में फाइट ले रहे हो बहुत सारे एनिमीज के सराउंडेड होकर, तो उस समय पे भी ये फोन आपको 58 से लेकर 60 एपिस प्रोवाइड करके देता है इवन HDR एक्सट्रीम के गेम प्ले में भी। तो गाइस आप समझ ही सकते हैं कि स्मूथर एक्सट्रीम में आपको किस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। स्मूथर एक्सट्रीम में तो भाई ये प्रॉपर 60 एपिस आपको प्रोवाइड करके देता है इवन सैनक के बूट कैंप में भी। कभी कभी इसके जो एपिस 58-59 के बीच में भी होवर करते हैं इंटेंस सिचुएशन में, लेकिन HDR एक्सट्रीम के गेम प्ले में इंटेंस सिचुएशन में भी ये फोन आपको 58 से लेकर 60 एपिस प्रोवाइड करके देता है। हालांकि कुछ कुछ रेयर कंडीशन में इसके जो एपिस 57-56 तक भी जाते हैं। ये फोन में आपको मोस्टली 58 से लेकर 60 एपिस देखने को मिल जाएगा इंटेंस सिचुएशन में भी, लेकिन जैसे नॉर्मल सिचुएशन आती जाती है तो ये फोन फिर से 59-60 के बीच में होवर करना स्टार्ट कर देता है। और गाइस मैं बता दूं कि यहां पे आपको लिक्विड कूलिंग वाला सिस्टम देखने को मिलता है, तो यहां पे आपको हीटिंग वाला इशू देखने को नहीं मिलेगा। लिटरली अगर आप इस फोन में 1 घंटे की गेमिंग करोगे तो आपको 43-44 इसका टेम्परेचर जाते हुए दिखाई देगा। कभी कभी इसका जो टेम्परेचर है वो 45 तक भी जाता है, लेकिन यहां पे आपको ओवरहीटिंग वाला सिस्टम देखने को नहीं मिलता, ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। और गाइस स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट एक 5 नैनोमीटर वाला चिपसेट है, तो यहां पे काफी ज्यादा हीट इफिशिएंट भी बन जाता है। तो आ जाते हैं हमारे कंक्लूजन के ऊपर। तो भाई ब्लैक शार्क 4 प्रो कैसा है गेमिंग के लिए? तो गाइस मैं बता दूं कि यार वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन मैं इसे कहूंगा। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अंतुदु स्कोर इसका ही निकल के आता है, तो समझ ही सकते हैं कि यार इसकी UI की ऑप्टिमाइजेशन कितनी तगड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। इसी कारण से आपको परफॉर्मेंस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। इवन अगर आप 90 FPS भी आ गए तो आपको 90 FPS प्रॉपर देखने को मिल जाएंगे, भले ही आप किसी भी इंटेंस सिचुएशन में क्यों ना हो। तो गाइस देखना ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अब ये हमारे इंडिया में कब और कितने प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होता है। बाकी गाइस आपसे भी अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा। मेरे ओपिनियन में तो एकदम बीस्ट लेवल का गेमिंग स्मार्टफोन ये है। आपसे भी अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो भाई लाइक शेयर कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। सुपर हिट, सुपर हिट, पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज करो। लव यू।